हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का मसाला। तो सबसे पहले हम हमारे पनीर को मैरिनेट कर लेंगे, और साथ ही मैं कुछ बेल पेपर्स और प्याज के भी बड़े बड़े टुकड़े काट लिए मैंने, उन्हें भी मैरिनेट करने जा रही हूँ। तो जो चीज़ें हमें लगेगी वो मैंने ली है, ये करीब 250 ग्राम पनीर है जिसे मैंने इस तरीके से बड़े बड़े चौकोर टुकड़ों में काट लिया है, और ये जो बेल पेपर्स है रेड येलो एंड ग्रीन, इनको भी मैंने इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और मैंने ये प्याज को फाइनली चॉप किया है, मैं ये बताऊंगी मैं क्यों इसे इतना फाइनली चॉप किया मैंने। और ये टमाटर भी मैंने बड़े बड़े काट लिए हैं क्योंकि इन्हें हमें पीसना ही है। और ये मैंने लिया है 200 ग्राम दही जिसे मैंने 3-4 घंटे तक कपड़े में बांध के लटका दिया था ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम मैरिनेशन के लिए सबसे पहले जो एक स्मोकी फ्लेवर आता है उसके लिए मैंने ये 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप इसमें सरसों का ही तेल ले, उसी से वो स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। ये मैंने तेल गर्म होने रख दिया है सरसों का, ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च। उससे हमारा स्मोकी फ्लेवर भी आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमारा तेल करीब गर्म हो गया है और मैं इसमें ये लाल मिर्च मिला दे रही हूँ। ये देखिए, ये जो हमारी लाल मिर्च वाला तेल है ये किस तरीके से इसमें झाग सी आने लगी है, ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसे हम इस दही में मिला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे करीब 1 चम्मच भुना हुआ बेसन ताकि इस बेसन का कच्चापन निकल जाए, मैंने इसलिए हल्का सा भून लिया था। और जो हमने दही का पानी निकाल दिया है वो इसलिए क्योंकि अगर हम दही का पानी रखते तो जो हमारा मैरिनेशन है वो काफ़ी पतला हो जाता। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। इसमें जाएगी 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, करीब 1 चम्मच किचन किंग मसाला, इसमें सबसे अच्छा टेस्ट किचन किंग मसाले से ही आता है, करीब 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 3-4 चुटकी हींग और करीब 1 चम्मच नमक। और हम इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब इस मैरिनेशन को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, सारे मसालों को हमने इसमें। अब इसमें हम हमारे बेल पेपर और प्याज अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले ताकि ये ठीक तरीके से कोट हो जाए। तो इन सारे बेल पेपर्स को और प्याज को मैंने ठीक से कोट कर लिया है। अब मैं इसी में हमारे पनीर के क्यूब्स भी डाल दूंगी। तो मैंने ये पनीर के क्यूब्स भी डाल दिए हैं, इन्हें भी आप अच्छी तरीके से कोट कर लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आपको इसको बिल्कुल धीरे धीरे से कोट करना है, ऊपर नीचे करना है, वरना ये टूट जाएंगे। इन सभी क्यूब्स को अच्छी तरीके से कोट कर ले। तो मैंने ये देखिए सारे चीजों को मैरिनेट करने रख दिया है, और ये देखिए जो कुछ कुछ पनीर को ठीक से लगा नहीं था मैरिनेशन में, उनको धीरे धीरे हाथ से फैला दे रही हूँ क्योंकि अगर मैं इन्हें जोर से इधर उधर करूँगी तो ये टूट सकते हैं, इसीलिए मैं इन्हें ठीक से हाथ से लगा दे रही हूँ। और इसे हम करीब 1/2 घंटे तक मैरिनेशन के लिए रख देते हैं, और तब तक के हम हमारी ग्रेवी की प्रिपरेशन करते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने ये गैस जला ली है ग्रेवी बनाने के लिए, और मैंने इसमें लिया है करीब 3 से 4 चम्मच तेल, और इसमें मैं डालूंगी ये जो मैंने फाइनली चॉप किए थे ये अनियंस या प्याज, और इसे हमें ब्राउन होने तक भूनना है, कैरमलाइज करना है इसे, तो इसका टेस्ट काफी अच्छा हो जाता है उससे। और इसे हम तल के बाहर निकाल लेंगे और फिर उसी तेल को हम ग्रेवी के लिए यूज करेंगे। क्योंकि ये प्याज की क्वांटिटी काफी कम है ये जलने लगेंगे, आप इसमें लगातार हाथ चलाते रहिए और इन्हें ब्राउन होने तक भून लीजिए अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारे प्याज अभी काफी ब्राउन हो चुके हैं, अभी हम इन प्याजों को निकाल लेंगे। हम अभी गैस ऑफ कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं। कैरमलाइज हो चुके हैं ये प्याज, तो इनका जो टेस्ट है ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा। इसी सब्जी में नहीं, आप ये किसी भी सब्जी में अगर ग्रेवी वाली सब्जी में डालते हैं तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसी तेल में हम सबसे पहले एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 इलायचियां लेंगे, साथ ही 4 लौंग लेंगे और एक जावित्री का टुकड़ा लेंगे, और ये जो हमने काजू रखे थे 6-7 काजू ये डालेंगे। इन्हें हल्का सा भूनने के बाद इसी में हम हमारे टमाटर डाल देंगे, अब ये हमारे मसालों के साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा खड़ा धनिया करीब 1 चम्मच, क्योंकि खड़ा धनिया जब हम पीसते हैं वो दरदरा सा पीसना है हमें मसाला, तो उसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। इस टेस्ट से हम हमारे टमाटर सारे इसमें डाल देंगे। हमें इन टमाटरों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए और इनका कच्चापन निकल जाए इतना ही पकाना है। तो ये टमाटर और मसाले अभी ठीक से पक चुके हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे बाहर और इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने पर हम इन्हें अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये जो हमारी प्यूरी बन चुकी है, चलिए अब हम वापस से गैस ऑन कर लेते हैं, और हम ये उसी तेल का यूज करेंगे जिसमें हमने मसाले भुने थे, क्योंकि उसमें सारे मसालों का टेस्ट है। अब हम इस तेल में ही करीब 1 चम्मच बटर डाल देंगे, 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि हम अगर डायरेक्टली बटर डालते हैं तो ये एक टिप आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप डायरेक्टली बटर डालते हैं कभी भी तो वो जलने लगता है, इसलिए पहले हल्का सा तेल डाल के आप अगर बटर को डालेंगे तो वो जलेगा नहीं, चिपकेगा नहीं तले में। अब हम इसमें डाल देंगे करीब 1 चम्मच जीरा और साथ ही 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब हम इसमें हमारी प्यूरी डाल देंगे। साथ ही हमने ये जो प्याज कैरमलाइज करके रखे थे ये डाल देंगे सारे, और इसके बाद जाएंगे इसमें हमारे मसाले। तो इसमें जाएगा करीब 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम ऑलरेडी मैरिनेशन में भी लाल मिर्च डाल चुके हैं। आधा चम्मच से कम करीब हल्दी पाउडर, करीब 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच करीब किचन किंग मसाला, और 1/2 चम्मच करीब नमक, नमक आप स्वादानुसार कम ज्यादा ले सकते हैं, ये देखिए हमारे मसाले लगभग भून चुके हैं अच्छी तरीके से। अब ये जो हमने जिस जार में हमने ये प्यूरी बनाई थी ये उसी में हम थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल देंगे और पकने देंगे, इसमें करीब 100 ml पानी होगा, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है हमें। तो ये हमारी प्यूरी बन रही है, तब तक के हम हमारे जो मैरिनेशन था वो भी अच्छे से हो चुका है,
तो उन्हें हम थोड़ा तवे पे अच्छी तरीके से पका लेते हैं। तो मैंने ये गैस पे तवा रख लिया है और इस पे हम डालेंगे करीब 1-2 चम्मच घी। अच्छी तरीके से फैला लेंगे हम। तो ये तवा गरम हो गया है, इस पे हम अपने पनीर और सभी जो वेजिटेबल्स थे हमारे, प्याज और बेल पेपर्स, उन्हें भी अच्छे तरीके से फैला लेंगे इस तरीके से। और इन्हें हल्का हल्का सा ब्राउन होते तक सब तरफ से हम सेक लेंगे। हमें इन्हें बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है वरना ये जल सकते हैं। हमें इन्हें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है कि ये पनीर हार्ड हो जाए, बस हमें इन्हें हल्का हल्का सा ब्राउन करना है, पनीर को हमें हार्ड नहीं करना है। ये देखिए, ये हमारे पनीर और बेल पेपर्स, प्याज सभी बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, एज अ स्टार्टर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और ये हमारी ग्रेवी भी रेडी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, खुलकर एकदम रेड। तो ये हमारी ग्रेवी में हम इसे मिक्स करके थोड़ी देर पका लेंगे। और साथ ही इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे क्रश करके, इससे इसमें काफी अच्छा सा टेस्ट आएगा। और बस हमें इसे 2-3 मिनट ही इसमें पकाना है साथ में, और हम गैस ऑफ कर देंगे और फिर बाद में हम इसमें धनिया पत्ती डालकर इसे गार्निश कर लेंगे। पकाते हुए हमें 2-3 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। देखिए ये कितना कलरफुल और टेम्पटिंग लग रहा है। चलिए इसे अब थोड़ा सा धनिया पत्तों से गार्निश कर लेते हैं और साथ ही हम डालेंगे होटल स्टाइल में सर्व करने के पहले ऊपर से थोड़ा सा बटर। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप घर पर ये ट्राई करके जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। और साथ ही अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।